मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि गोविंद ऐसा होगा कि पहले तुम तकलीफ में काम ढूंढोगे और फिर काम में तकलीफ ढूंढोगे। अच्छा, लेकिन आप इतने सोबर ड्रेसर कब हो गए? मुझे तो सोबर का नहीं पता। हाँ। गोबर ही कहते हैं इतने साल। बिल्कुल नहीं। मैं जिस वक्त सुपरस्टार हो गया, आधा दर्जन फिल्में हिट आई। आपको पता है रणवीर का जो व्हाट्सएप डीपी पिक्चर है वो आपकी फोटो है? हाँ, वो देखा मैंने। हाँ। और मैं उसे जिस वक्त साथ में काम कर रहा था तो मैं बहुत सारा जो वक्त जो पहले कभी किया है फिल्म में वो भूल गया। वो जिस वक्त एक्ट कर रहा था तो मैं कहा ये हुआ है क्या। गोविंदा, वेलकम टू फिल्म कंपेनियन। कितने सालों बाद मिल रहे हैं जी। माय गॉड, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये बताएं कि एवरी टाइम जब आपकी फिल्म रिलीज होती है, आई कीप सीइंग इन द प्रेस कि इट्स द कम बैक ऑफ गोविंदा। ये वो हैप्पी एंडिंग में हुआ, फिर किल दिल में हुआ, फिर पिछले साल आ गया हीरो में हुआ। जिसकी जो इच्छा होती है वो लिख देता है, वो टैग उसे जो लगाना होता है वो लगा लेता है। हाँ, बट आप इन फिल्मों को कभी ऐसे कम बैक की तरह नहीं देखते? मतलब आप गए कहाँ हैं? मैं फिल्मों को किसी भी तरह से नहीं ले सकता। मतलब क्या लूँ मैं उसको, क्या समझूँ? मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसकी इच्छा होती है, जो जिसका टाइटल होता है, जो जिसका न्यूज़पेपर जैसा नाम होता है, उनका जैसे चार होते हैं वैसे वो लिखा करते हैं, और उनके अपने गणित में वो सही होते हैं, तो मैं किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। बट आप खुद कभी नहीं सोचते कि ये मेरी कमबैक है कि नहीं है कि क्या है? आवश्यकता नहीं लगी कभी। 165 फिल्म हो गई। 65 ज़्यादा ही हुई होंगी आई थिंक। और मेरा ये सोचना है कि हर आदमी की अपनी सोच होती है, और वो उसकी जगह पे उसको लगता है जो वो कर रहा है राइट कर रहा है, लगा हुआ होता है, वो हार्डवर्क कर रहा होता है, तो समझे और ये समझे कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो आवश्यक है कि हम काम करते आए हैं, काम करते रहे। कभी पता नहीं था कि हम स्टार हो जाएंगे, फिर ये भी नहीं मालूम था कि 14-15 वर्ष तक सुपरस्टार रहेंगे। फिर सब ईश्वर ने दिखवा दिया। अब जो है काम करते रहें और अच्छा काम करें, ईमानदारी से करें। और अब आपको जब आप अब फिल्म बनाते हैं, जब फ्राइडे आपने शूट की या वरुण के साथ काम किया, तो अब कैसा लगता है? बहुत अलग है क्या वर्किंग सिस्टम? नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं और तरह तरह से प्रयत्न करते हैं कि हम लोग ऐसे ये कर सकते हैं काम, फिर ये ऐसे कर सकते हैं, तो दे कम आउट विद सरप्राइज। और जो नहीं सोचा होता है वो भी होता है। तो जिस वक्त इसकी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उनके फिक्स थॉट्स थे मेरे लिए, गोविंदा जी की एज हो गई है, गोविंदा जी ऐसा काम करेंगे, गोविंदा जी ऐसा होगा, और ये शॉट मिल गया, ओके, इसे टच नहीं करो, हाथ नहीं लगाओ भाई। तो मैं समझ गया कि ये थोड़ा अपनी सोच में लगे हुए हैं। मैं कहा थोड़ा सा अलग करके देखना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है सर, और थोड़ा अलग करके देखना है, थोड़ा सा ये सर, ये तो अच्छा, आई मीन यू शुड नॉट टच इट, इट्स वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। तो ऐसे कई थॉट्स वो इस फिल्म के दरमियान गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्डवर्क तो ईमानदारी तो पे करती है, आप लगे रहिए ईमानदारी के साथ। क्या आप अब एक बहुत ही डिफरेंट एक्टर हैं फ्रॉम व्हाट यू वर? मुझे पता लगेगा, आप लोग देखिएगा सिनेमा तो आप लोग कहिएगा। नहीं, लेकिन आपकी अप्रोच अलग है, आपका मेथड कुछ अलग है, या आप जैसे थे उस वक्त वो ही कर रहे हैं? वो तो कतई नहीं हूँ इस वक्त मैं जो हूँ। हाँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग ये कहें कि बहुत ज़्यादा सीनियरिटी के पीछे पड़ गए। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि उन्हें बंधन महसूस करें, घबराहट हो, ये लगे कि हम इनके ओ में अटक गए हैं, या किसी बड़े से पेड़ के साए के अंदर हम छटपट आ रहे हैं। मैं वो सब कभी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो जैसा है वैसा रहा करे, कम से कम मुझे पता लगता है कि वो कैसा है और क्यों है और क्या उसकी वजह है उसके होने के पीछे, अच्छा लगता है। वरना मुलाकात होती है पर लोग मिलते नहीं है। अच्छा है आप शहर से निकले बाहर तो मुलाकात हो तो लगे कि हाँ भैया हमने इन्हीं से मुलाकात की है, जो मिले वो कोई और थे, जो हाय कह रहे थे कोई और थे, बाय गए वो कुछ और निकले, तो अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है कि शहर देखा हुआ है, ज़माना देखा हुआ है, और
जो मैंने देखा, समझा, पढ़ा, उसके हिसाब से जो काम कर सकता हूँ कर रहा हूँ, उस पर अपनी औकात में आदमी कर सकता है। टेल मी कि आप फ्राइडे में क्या प्ले कर रहे हैं? प्ले तो जो मैंने फिल्मों में किया हुआ इतने साल, हाँ। फिर वही टाइप का है कि जैसे गर्लफ्रेंड आ जाती है, मुझे थॉट बहुत अच्छा लग गया फिल्म का। जैसे दुल्हे राजा में थॉट बहुत अच्छा था, 80% फिल्म जो थी वो झगड़े की थी, तो 80% में झगड़ा चलता था, कादर खान जी गोविंदा का झगड़ा चल रहा था, वो 5-star का मालिक, मैं ढाबे का मालिक, और मालिकों का झगड़ा चल रहा है। अब मालिक तो मालिक होता है, चाहे वो बहुत बड़ा मालिक हो चाहे छोटा मालिक हो, 80% झगड़ा चल रहा है फिल्म में, मेरा हिट है, हिट है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो मैं कहा कि यार वही चीज़ हो रही है इसमें कि ये गर्लफ्रेंड आई हुई है और 80% उसी घर में वो फिल्म चल रही है। अब घर में चल रही है फिल्म तो उसे एंटरटेन कैसे करें आप, और कैसे लोगों को उस थॉट के अंदर एंगेज रखें, तो इतना ही समझाइए मुझे, दैट्स इट। मुझे अच्छा लग गया है और हिट है, तो क्या बस ये थॉट की वजह से आप पिक्चर कर देना चाहते हैं? मैं बोले हाँ, यही थॉट है, ये हिट है, ये वर्क करेगा, तो यंगस्टर्स के लिए ये बहुत ही कल्ट सिनेमा हो जाएगा। ओके। जो मैंने ये फिल्म देखी है, मुझे ऐसा लगा कि ये वही टाइप का है फिल्म जैसे गोविंदा छाप सिनेमा देखा करते थे लोग। आई होप कि वैसे जो मैं मुझे लगता है वैसे ही हुआ। अच्छा, अब आप किस तरह के रोल्स करना चाहेंगे? मुझे याद है आपने देवदास का रोल, चुन्नी लाल का जो रोल था, आपने रिजेक्ट किया था क्योंकि आपने कहा था कि मैं हीरो हूँ, मैं क्यों चुन्नी लाल बनूँ। तो अब आर यू स्टिल इन दैट मोड कि मुझे सिर्फ हीरो ही बनना है? क्योंकि अब वो डेफिनेशंस भी अलग हो गए हैं ना, अब वो हीरो क्या है, कौन है, अब इतनी फिल्में हैं जिसमें 4-5 कैरेक्टर्स होते हैं और कोई एक हीरो नहीं होता, मतलब इट्स अ न्यू वर्ल्ड। जिस वक्त मैंने वो फिल्म रिफ्यूज़ की थी, साथ में ताल रिफ्यूज़ की थी, राइट, ये दो जो हैं देश की महान शख्सियतों में से ये दोनों डायरेक्टर्स हैं और मुझे बहुत पसंद है, परंतु मैं उस वक्त टॉप पे था और मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं एक्सेप्ट होगा क्या, और ये भी नहीं पता है कि जिस वक्त ये किरदार है, जिस वक्त हम कहते हैं कि आप चुन्नी लाल का किरदार निभा रहे हैं, चुन्नी लाल का किरदार पेश कर रहे हैं, तो इसमें अच्छा है, यू शुड डू इट, इतना इतनी बड़ी फिल्म बनने जा रही है। तो मैंने कहा कि यार देखिए ये हर वक्त मुझे सोचना पड़ेगा फिर, कि मैं चुन्नी लाल का किरदार वो कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, फिर इसके हर शॉट में फिर कहाँ से कहाँ क्या मूव कैसे, तो फिर वो मुझसे ना इरिटेट हो जाएंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि गोविंदा कितने सवाल पूछता है, क्योंकि पीपल आर नॉट यूज्ड टू मुझे ये आदत है, मुझे ये आदत है कि मैं पूरा समा जो है ना, वो पूरा जो समा है ना, मैं पहले अंदर ले लेता हूँ फिर वो बाहर निकालता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट समा बांधते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो काम करके चले जाते हैं वो मुझे नहीं पता वो क्या है, वो एक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो क्या है, वो जो उनकी सोच है। बहरहाल पर मुझे अच्छा लगता है कि समा बांधें, आप आर्ट है, याद रहेगा लोगों को सारी ज़िंदगी, इसे लोग देखने वाले हैं और पुनः पुनः देखें, वो कहें कि वाह कम से कम इसकी तरफ से तो ये ईमानदार है, दैट्स इट। वो मेरे साथ सदैव रहा है ना हर फिल्म में ना, कि मेरी ईमानदारी पे तो लोग कभी ये नहीं हुआ कि सवाल उठा, पढ़ाई लिखाई पर उठा बहुत वो तो मैं खुद ही जिस वक्त पिक्चर देख रहा था, अरे नहीं 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 ये कहाँ से, मैं ये डायलॉग कहाँ से कह दिया मैंने, अब मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं उस तरफ देखूँगा, मतलब अपनी जो पुराने गाने पुरानी फिल्में क्यों, लेकिन क्यों डर लगता है? डर नहीं लगता है, हाँ, डर क्या है, डर हाँ। कर गया मैं उस टाइम पे, करेक्ट, हाँ हमने काम मिल जाता था तो लगता था कि वाह मिल गया काम, इससे ज़्यादा ऊपर कुछ भी नहीं है। मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि गोविंद ऐसा होगा कि पहले तुम तकलीफ में काम ढूंढोगे और फिर काम में तकलीफ ढूंढोगे, तो जिस तुम काम में तकलीफ ढूंढोगे तो दूसरे के दोष कम निकालो और जो अपने आप में जो है उसे कैसे तुम क्लीन अप कर सकते हो, कैसे क्लीन करोगे तुम, वो देखो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो वर्क किया काफ़ी हद,
काफ़ी हद तक वक्त नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप अब किस टाइप के रोल्स करना चाहते हैं? मैं हर मैंने विलन यू आर ओपन टू एवरीथिंग. मैंने विलन प्ले किया किल दिल में, मैंने हैप्पी एंडिंग में कॉमिक प्ले किया, अब मैं इसमें हीरो जैसा नजर आ रहा हूँ. ये हाँ प्रोमोज में तो वही लगता है नजर आ रहा हूँ. परंतु जिस वक्त रोल मैं मुझे मिला था, चाहे ये फिल्म का हो, चाहे दीवाना मस्ताना का हो, चाहे हसीना मानजाएगी का हो, ये सब फिल्मों में मैं किरदार निभा रहा था. मैं जिस वक्त सुपरस्टार हो गया, आधा दर्जन फिल्में हिट आई, मरते दम तक, सिंदूर, खुदगर्ज, दरिया दिल, हत्या, घर घर की कहानी, छः की छः फिल्में मैं किरदार निभा रहा था. मैं हीरो नहीं था. कादर खान साहब हीरो थे, आदरणीय कादर खान साहब हीरो थे, आदरणीय राजकुमार जी हीरो थे, आदरणीय दिलीप साहब हीरो थे, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी हीरो थे. ऐसी बहुत सी फिल्में की मैंने. मुझे ऐसा लगता है कि मैं ईमानदारी से काम करूं और मैं काम अच्छा कर दिया तो हो गया. नहीं, लेकिन उस वक्त जब आप कहानियां बताते हैं 90s की, आप अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि उस वक्त तो स्क्रिप्ट ही नहीं मिलती थी. हम सेट पे आके पूछते थे कि भाई आज क्या करना है जी. तो ऐसे माहौल में एक्टिंग फिर करते कैसे थे? हाँ, मुझे आदरणीय यश चोपड़ा जी ने ये पूछा सवाल जो आप पूछ रहे, तो कैसे तुम इतनी हिट दे रहे? हाँ, जब स्क्रिप्ट ही नहीं है. तुम ऐसे इतनी हिट्स कैसे दे रहे कि तुम्हें सेट पे मिल रहा था फिर तो फिर क्या करता है? तो मैं कहा मैं 3-4 घंटे के लिए वहाँ पर होता हूँ. अरे वो तो भी नहीं होता तू तो. मैं कहा फिर तू कैसे करता फिर वो सीन? तो मैं सुबह सुबह पहुँचा उनके वहाँ पे, तो वो पूछने लगे गोविंद कैसे कर रहा है तू, कैसे काम कर पा रहा है? मुझे तो मेरी तो समझ में नहीं आता ये क्या ये क्या फिल्में हैं और ये क्या फिल्म लाइन है. करेक्ट. तो ये वक्त मैं इसलिए कर पाया कि मैंने और मेरे भाई ने तय किया मिलके कि हम जो मिला है काम, हम मैं उसका मैं थॉट समझ के उस थॉट के अराउंड में मैं वो बना लेता था कि इसके थॉट के बाहर जाके कुछ भी एक्टिंग नहीं होगी और इसके थॉट के अंदर ये हो सकता है. लेकिन अगर आपको चले मानिए आपको अभी स्क्रिप्ट मिली, फिर आपने उसी वक्त देख के सोच लिया कि मैं ये बोलूंगा, मैं ये करूंगा? हाँ, मैं जिस वक्त आप मुझे कह रही होती हूँ, तो मैं वो जो कह रहा होता है मैं उसे थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ, फिर मैं उसकी सोच के पीछे उसने क्या सोचा होगा वो उस तक मेरा अपना मेरा जहन जो है मुझे पहुँचाने में मदद कर देता है, और फिर उसके दरमियान उसके एतराफ में कितने लोग हैं उन पर भी मेरी नज़र पूरी तरह से होती है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये इस थॉट के साथ आए हैं, अब वो आए हैं वो थॉट लेके. तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भैया मुझे काम ही नहीं करना आपके साथ, ये आपका थॉट ही अच्छा नहीं है या अब मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ वर्क. राइट, इज माय थॉट. तो आपने जैसे डेविड के साथ इतनी सक्सेसफुल फिल्में बनाई, तो वो फिल्में उनकी स्क्रिप्ट्स थी कि आप दोनों वहीं क्रिएट कर रहे थे? जो मतलब कि डेविड की जो जो शुरुआत की जो नेचर रही, जिसे ये कहते हैं कि पूर्णतः भरोसा किसी पे होना, फुल ट्रस्ट, पूरा उन्हें ट्रस्ट था कि ये काम दे दिया है तो ये काम तो बहुत ईमानदारी से करेगा. तो घबराहट ये नहीं थी किसी तरह की. और काम जिस वक्त शुरू होता था, तब जैसे कुली नंबर वन की जिस दिन शूटिंग शुरू हुई, तो मुझे पता नहीं क्यों मैं गाड़ी में उसे कह रहा था कि यार ये कुली नंबर वन टाइटल रख दिया. मुझे लगता है शुरू में 6-7 घंटे तो इस पिक्चर की शूटिंग ही नहीं शुरू होगी, मुझे ऐसा लग रहा है. तो वो कहे कि यार चीची भैया आप अच्छा मुझसे शुभ कहा करिए. तो मतलब थॉट क्या है इसे मुझे कुछ भी सुनाया नहीं अभी तो, जाऊंगा तो समझूंगा. मतलब आपको कुछ नहीं पता? हाँ, मैं पढ़ू लिखूंगा इसको समझूंगा. हाँ. बहरहाल 6-7 आवर्स शूट नहीं हुआ. मैं कह रहा हूँ कि ये तो मैं कर चुका हूँ पहले, सीन सब ऐसा लगेगा तो देखा हुआ है, फिर लगेगा वही कादर खान साहब हैं, वही गोविंदा है, वही शक्ति कपूर हैं, वही सब. फिर शक्ति कपूर वही नाक से गोविंदा के साथ है तो नाक से ही डायलॉग कहेगा, तो ये सब फिक्स है. right. अब क्या करें? तो वो किरदार याद आ गया कि जो मैंने कहीं देखा हुआ था विरार गांव में. मैं बोला यही किरदार निभा देता हूँ. तो मैं बोला कादर खान जी आप मुझे अलाउड करें तो मैं थोड़ा सा ऐसा एक्ट करता हूँ. हाँ.
वो उन्हें बहुत अच्छा लग गया, आई यही करेंगे। हालांकि वो सेट छोड़ के जा रहे थे, क्या ऐसा थोड़ी होता है, इतना देर क्या सोच रहे हो तुम लोग, इतना पैसे लगे हुए प्रोड्यूसर का, तुम लोग ख्याल नहीं है ये नहीं। तो मतलब मैं गाली खा ही, मतलब खाने ही वाला था कि इतने में उन्हें मुझ पर प्यार आ गया। बोले हाँ ये अच्छा है, ये अलग है, आज तक किसी हीरो का ऐसे ऐसा इस तरह का, ये क्या हीरो है, ऐसा हीरो कभी सोचा नहीं होगा, ए क्या है। तो थॉट था वो। अब रियल लाइफ में होते हैं आम आदमी ऐसे ही हैं सब, मतलब सभी ऐसे नहीं है, right, परंतु हाँ, परंतु जो 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 नेचुरल थोड़ा चल रहा है उससे थोड़ा जो अलग है वो तो पर्दे के लिए तो वही किरदार है कि हम इसे ही करके करेंगे और निभाएंगे तो हम लोग याद रखेंगे। तो बहरहाल वो समझ में आ गया, तो ऐसे फिर मैं करता गया, तो वो फिल्में ही नहीं लग गई। हसीना मान जाएगी कि सेट पे वही हुआ, राजा बाबू बड़े मियाँ के सेट, छोटे मियाँ के सेट पे हुआ। हाँ। आदरणीय अमिताभ बच्चन जी मुझे कहें कि गोविंद जी जो तुम पतली सी आवाज निकाल ये थोड़ी सी उस टाइप की लगेगी, मैं कहा ये इस टाइप आप नहीं सोची है, विल डू इट, आप हैवी वॉइस और मैं ये वॉइस, ये दोनों मिलेंगी। हाँ। कमाल हो जाएगा। तो यू वर जस्ट क्रिएटिंग इट ऑन द सेट, आप अपना क्रिएटर, वहीं पे शुरू हो जाता। अमेजिंग, वहीं पे शुरू हो जाता। और इसमें मैं पूरा क्रेडिट नहीं लूँगा, ये बहुत ऊपर वाले ने मुझ पर कृपा की हुई थी कि ऐसे आर्टिस्ट साथ में, लोग ऐसे मिल गए, आर्टिस्ट ऐसे मिल गए। अच्छा, बहुत से ऐसे सीनियर्स थे जो ये समझते थे कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ईमानदार है, ईमानदारी में जो करेगा अब उसमें वो संभाल लेते थे कि गलत नहीं हो, गोविंदा है, अच्छे से काम कर लें। खास तौर पर आदरणीय कादर खान साहब, शक्ति कपूर जी, आदरणीय दिलीप साहब जी का तो जो ही इज अ बहुत ही महान उनकी शख्सियत, दैवत की तरह। आदरणीय अमिताभ बच्चन जी, आदरणीय राजेश खन्ना जी, दे हैव गिवन मी मतलब लव। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आगे की पीढ़ी जो है इस टाइप का प्रेम शायद ही देखने मिलेगा, क्योंकि हम लोग लकी रहे। लेकिन लेकिन जो आज की पीढ़ी है, they have a lot of love for you, they have, and I aur main aapko pata hai ranveer ka jo whatsapp dp picture hai wo aapki photo hai, ha wo dekha maine, aur main use jis waqt saath mein kaam kar raha tha to main bahut sara jo waqt jo pehle kabhi kiya hai film mein wo bhul gaya tha, wo jis waqt act kar raha tha to main kaha ye hua hai kya, to acha lag raha hai yaar dekhne mein, it's looking so nice, acha tumne bola yaar manga yaar wo cinema fir dekhunga main, कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने ही किए हुए काम से जिस वक्त फिल्मों में से प्रभावित हो जाते हैं तो आगे अच्छा नहीं कर पाते, राइट तो जो पीछे छोड़ दिया है उसे वो वहीं रहे तो अच्छा है। समटाइम्स यू शुड गेट इन टच विद दैट कि हाँ ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा इसे कैसे अच्छे से निकालें और करें और अच्छा काम करें ताकि आगे ना, तो अदरवाइज मैं नहीं देखता पीछे, रियली कभी नहीं, मुझे ऐसा लगता है बोझ हो जाता है। नहीं, लेकिन 90s की तो कितनी बातें करते हैं, यू नो 90s जो वो एक दौर था जो आपके ये पिक्चरें थी, कोई नंबर 14 वर्ष का ये पूरा, या या पीपल टॉक अबाउट इट ऑल द टाइम, यू नो ऑल दीस गाइस, वरुण, अर्जुन, रणवीर, मतलब यू नो इस वक्त देश में आप जाइए तो आप आधा दर्जन गोविंदा है। हाँ। हर जगह पे एक गोविंदा मिल जाता है, निकल आता है कहीं से, मैं कहा यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी फिल्म चल रही है, मेरी फिल्में ही नहीं लग रही है, यही हो रहा है, ऐसा बहुत टाइम ऐसा बहुत टाइम हुआ है। बहरहाल इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कतई नहीं दिखती है इसमें, ईश्वर ने जिसके लिए जो लिख दिया है वो होता है, आपकी तरह या आपकी तरह दिखाई देने वाले या आपकी तरह काम करने वाले बहुत से लोग आ जाएं, उसके बावजूद आपका भाग्य आपके रहता है और उनका उनका ही रहता है। और किसी दिन मैं गाड़ी से जा रहा था कहीं पर, तो मैंने देखा कि एग्जैक्टली जैसे ये जिस गाड़ी में मैं था वैसे ही साथ में आके खड़ी हो गई, तो मैंने देखा अरे आदमी भी गोविंदा ही लग रहा है, ये कौन है आए, तो मैंने सोचा ये कौन हीरो, तो अरे सर बोला, बाहर निकल के आया पाँव छुआ, सर मैं आपके ही फिल्मों के गानों पे डांस करता हूँ स्टेज पे, ये गाड़ी खरीद लिया सर। अच्छा है, इट्स सो नाइस, दैट्स अमेजिंग, अच्छा लगता है, दैट्स अमेजिंग, गुड गुड, अच्छा है। बट डू यू हैव एनी रिग्रेट्स, कभी आप सोचते हैं कि शायद मुझे वो नहीं करना था या इसको अलग से करना था? सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए होता है मुझे,
जो मैंने बहुत पहले मैं उससे बाहर निकल आया, क्योंकि मैंने मॉम से पूछा, मैंने मॉम से कहा कि मॉम समटाइम्स आई फील कि ये सब छोटे छोटे बच्चे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं ये मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़िंदगी की समझ, भाषा की समझ ये लोगों की मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी है, और ये मुझ पर हंसते हैं और बहुत सारे स्टार्स हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी तो बहरहाल मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ढंग का मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो बड़ा उन्होंने मुझे अजीब सा जब उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा, तुम्हें नहीं समझाया जाएगा, और तुम अपना देखें आप और आप पढ़े लिखें आप ऐसे ही है आपके लिए। तो मैंने सोचा अच्छा ये तो कमाल का बोझ है, तो मैंने कहा कि अरे यार ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भाषाएं इस वक्त सिनेमा में चल रही हैं मैं ये फिल्म पुनः देखूंगा, अब मैं फिर फिल्म पुनः देखूंगा। तो एक फिल्म जो है वो मैं कई टाइम देखने लग गया, क्योंकि मुझे वो भाषाएं पढ़ना मेरे लिए लाजमी हो गया था। अच्छा लेकिन आप इतने सोबर ड्रेसर कब हो गए? अच्छा मुझे तो पता ही नहीं इसे सोबर कहते हैं, मुझे ये तो बड़ा सोबर है ना, सफेद और एक कलर, मतलब यू नो आई रिमेम्बर द पर्पल एंड द येलो और वो सो इतने सारे रंग, मुझे तो सोबर का नहीं पता। हाँ। गोबर ही कहते हैं इतने सारे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कपड़े कौन चुनता था? किरदार ऐसे निभा रहा था मैं, आप क्या उम्मीद करती हैं, एक आदमी कुली का किरदार निभा रहा है और वो टॉप के किसी फैशन वाले के पढ़े लिखे के कपड़े पहनेगा। राइट। एक आदमी पंजाब से गांव से कहीं से आया या यूपी के गांव से कहीं से आया, तो वो जो वैसे किरदार ही वो निभा रहा है जो वो कपड़े पहन रहा है। अब जिस तरह की फिल्में मैंने की उसे कभी किसी श्रेणी में आने नहीं दिया गया, उसकी वजह ये थी कि बहुत सारा जो है लोग जो है कि यार ये कहाँ से आ गया, फिर ये कौन डायरेक्टर है इसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन इसका राइटर है, क्या कहा, ये बहुत हुआ करता था। कपड़ों को तो लेकर तो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ गया था, और मैं कपड़े पे कभी तवज्जो ही नहीं थी मेरी किसी तरह की, मुझे लगा कि यार कपड़े देखेंगे तो मुझे कहाँ देखेंगे, लोग देखेंगे, मैंने जो करेक्टर प्ले किया है वो यादगार है, कपड़े कब से देखने लगे ऐसा, तो मुझे But it was part of your signature. I mean, signature if I'm doing that kind of a role, sure. Yeah. If I'm doing that kind of a role, if you are doing a playing a masses role, then you have to look in that way. You have to look in that. So, people put you into that frame where they feel relaxed and comfortable. And I feel that you should do what you have seen. What you feel like that people when they will watch it, it will look make you look different from the others. Yeah. And you should be at ease with that. You should not feel ke yaar ye kahan se ye jo thop rahe hain wo kar raha hu main. Mujhme jo ease tha wo isiliye tha kyunki jo maine socha tha wahi exactly play hua kirdaar. Kyunki wo maine dekha tha kahin se, personal life mein dekha hua yaar, लोकल ट्रेन में देखा हुआ है, तो वो करेक्ट है, वो वैसे ही है, वर्क करता है वो। और आपने कहा कि आप अपनी पुरानी फिल्में ज़्यादा नहीं देखते, उन्हें यू नो यू फॉरगेट देम, यू फॉरगेट अबाउट इट, यू मूव ऑन, लेकिन कोई एक फेवरेट डायलॉग है उस वक्त का? फेवरेट डायलॉग? हाँ, 90s का कोई कमाल है, मेरे डायलॉग कभी फेवरेट नहीं रहे। हाँ। फिल्में भी नहीं रही, सीन मुझे याद रह जाते हैं और मुझे फेवरेट सीन है बहुत से। हाँ। और जो ये बहुत फेमस हो गया है कि निंटकले पिंटुकले वाला, ये भी मुझे डायलॉग मिले नहीं थे, जिस वक्त मैं सेट पे पहुंचा सतीश कौशिक जी तैयार बैठे हुए थे, आएगा गोविंदा मैं इसे हड़प जाऊंगा खा जाऊंगा क्योंकि वो बहुत अच्छे राइटर हैं, पढ़े लिखे हैं, और हालांकि डेविड उनका और अनिल जी का एक अलग ही ग्रुप है, तो राइटर अच्छे हैं, वो लिख के बैठे हुए थे अपना, तो मैंने जिस वक्त गया बोला ये डायलॉग मैंने कहा मेरा दिखाई नहीं है, बोले तू कर चिची तू कर तो मैं कहा यार ठहरी थोड़ा सा मुझे, तो ये भाषा है नागपड़ा,
नागपड़ा में हर शब्द नाक से डायलॉग कहा जाता है, वो वहाँ की खासियत है। मैंने कहा मैं ये यूज़ करूँगा, वो तो इतने बड़े घर परिवार का आदमी है, नागपड़ा की भाषा कहाँ से कह ले। वी बोले ही इज एक्टिंग नाउ। अब वो कहाँ से एक्टिंग सीख के आया, किसी के है तो नहीं होता। आप जिस वक्त इतने सारे ड्रेसेस चेंज कर देते हैं, 3-3 ड्रेसेस, नौ ड्रेसेस एक एक उसमें जगह पर, तो आप थोड़ी ना पूछने आता आपसे कि कहाँ से चेंज। ओके आप कहिए। तो फिर वो ये डायलॉग कहा गया था कि निंटकली बिंटुकली मंटी पे खड़ी ली अंटी बजा ली बार बार घंटी, तो हर जगह पे न लगाया गया हर डायलॉग पे। तो वो फेमस हो गया। तो ऐसे बहुत से सीन जो हैं वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हुए थे, जो जो फिल्में जो चली मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ताश के पत्तों की तरह थी, जो सीन टू सीन ऐसे फ्लो था एब्सोल्युटली चढ़ा है वो ऐसे सर पे चढ़ता गया। बिल्कुल wonderful, good luck for Friday and thank you so much. Thank you so much. Thank you.